नमस्ते एंड वेलकम टू माय किचन। मैं हूं अमृता रायचंद और आज मैं बनाऊंगी आपके लिए इटली की एक स्पेशल डिश जो बच्चों को बहुत पसंद है। चलिए बनाते हैं पोटैटो नोकी। पोटैटो नोकी बनाने के लिए आप पहले लेंगे 2 से 3 बड़े आलू, उन्हें उबालेंगे नमक के पानी में और उनका छिलका निकाल के उसे अच्छे से मैश करेंगे और फिर एक छन्नी से निकालेंगे, क्योंकि हमें बहुत पतली 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 श्रेड्स चाहिए आलू के, उसमें कोई लंप नहीं होना चाहिए। ये मैंने पहले से प्रिपेयर कर लिया है, तो आप ये 2 या 3 कप आलू एक बड़े बोल में डालिए। अब इसमें हम डालेंगे 2 अंडे। अब इसमें पड़ेगा 2 कप मैदा। और फिर हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे, जिस तरह से आटा गूंदते हैं उसी तरह से इसे गूंद लेंगे, क्योंकि इसमें अंडा है, इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है। इसे अच्छे से गूंद के एक डो बना लेंगे, क्योंकि फिर इससे बनेंगे हमारे नोकीज। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, करीब 1 चम्मच नमक डाल दीजिए और इसे अच्छे से गूंद लीजिए। जिस तरह से रोटी का आटा बनता है, जिस तरह से उसका डो बनता है, उसी तरह से इसे गूंद लेंगे। अगर मैदा कम लगे तो थोड़ा सा आप मैदा और डाल सकते हैं, क्योंकि अच्छे से सूखा हुआ डो बनना चाहिए। नाउ इट सीम्स राइट। ओके, अब इसके आप रोटी के जैसे पेड़े बनाइए, थोड़े रोटी से थोड़ा ज्यादा बड़ा होना चाहिए। अब इस पेड़े को हम चॉपिंग बोर्ड या किचन प्लेटफॉर्म में ही ब्रेड स्टिक की तरह रोल करेंगे, लेकिन उसके पहले आप एक कढ़ाई में पानी उबलने के लिए रख दीजिए। उस पानी में आप नमक डालिए, जब तक ये उबलेगा तब तक हम हमारे नोकीज बनाएंगे। अब इन्हें आप ब्रेड स्टिक की तरह दोनों हाथों से बड़े प्यार से और बड़े मैजिक के साथ रोल कीजिए। कुकिंग इज सो थेरेप्यूटिक समटाइम्स। मुझे तो बहुत रिलैक्सेशन मिलती है जब भी मैं कुकिंग करती हूँ। इट्स नियरली डन। इसकी थिकनेस करीब 1.5 से 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि आपका डो चॉपिंग बोर्ड या किचन अप्लायंस में चिपक रहा है, तो हल्का सा मैदा डस्ट कर दीजिए और फिर उसके बाद उसके ऊपर रोल कीजिए। ओके, अब मैं इन्हें 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे एक अच्छे शार्प नाइफ से काटूंगी। राइट, तो ये तैयार है। अब हम इन्हें डालेंगे उबलते हुए पानी में। जैसे ये ऊपर फ्लोट करने लगे, इन्हें हम छन्नी से निकालेंगे और दूसरे पैन में डालेंगे और हल्के से बटर में सॉटे करेंगे। तो चलिए वो दूसरा सॉस पैन तैयार करते हैं। इसमें करीब 2 बड़े चम्मच बटर डाल दीजिए, हल्का सा तेल डाल दीजिए। ओके, अब जब तक बटर गर्म होता है, हमारा पानी उबल रहा है, उसमें डालना शुरू करते हैं हम नोकीज। अब इसे थोड़ी देर उबलने दीजिए। ओके, नोकीज ऊपर आ गए हैं, अब इन्हें निकालने का वक्त है। ओके, इन्हें इस तरह से आप छन्नी से निकाल लीजिए। अब इन्हें हम दूसरे पैन में, जिसमें मैंने बटर डाला है, इसमें सॉटे कर लेंगे। ओके, अब हम बाकी के नोकीज डाल देंगे पानी में। अब इसमें आप डालिए 1 से 2 टीस्पून नमक,
दो बड़े चम्मच पार्मेजान चीज, फिर लीजिए थोड़े ऑरिगेनो के पत्ते, आप चाहें तो कोई भी हर्ब ले सकती हैं, आप बेजल के पत्ते भी डाल सकते हैं इसमें, ये बस इसे लाइटली टॉस कर लीजिए। ओके, ये रेडी है, अब एक फ्लैट सा प्लेट लीजिए एंड उसमें ये नौकी को निकाल लीजिए। ऑलराइट, अब लास्ट में हल्का सा पार्मेजान और स्प्रिंकल कर लीजिए इसके ऊपर, चाहे तो ऑरिगेनो के पत्ते भी लगा सकते हैं गार्निशिंग के लिए। तो तैयार है पोटैटो नौकी, इन्हें आप गार्लिक ब्रेड के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इस यम्मी रेसिपी को एक बार फिर से याद करने के लिए लेट्स डू अ क्विक रिकैप। नौकी मैक एंड चीज बनाने के लिए सबसे पहले 3 से 4 बड़े आलू छीलकर नमक मिले पानी में उबाल लीजिए। अब इन्हें एक बोल में निकालकर अच्छी तरह से मैश कर लीजिए और इसमें 2 से 3 अंडे और लगभग 2 से 3 कप मैदा मिलाकर गूंद लीजिए। अब इसके छोटे पेड़े बनाकर इन्हें लंबा और पतला कर लें। अब इनसे 1/2 इंच के पीसेस काट लें और नौकी बना लें। एक सॉस पैन में पानी उबालकर उसमें 1 टीस्पून नमक मिला दें और इसमें नौकी को उबाल लें। 2 से 3 मिनट में जब नौकी पानी की सतह पर तैरने लगे तो उसका मतलब है कि वो पक चुकी है। उन्हें स्ट्रेनर की मदद से निकाल लें और एक फ्राइंग पैन में 1 टेबलस्पून बटर मेल्ट करके उसमें टॉस करें। फिर उस पर कसी हुई 1 से 2 बड़े चम्मच पार्मेजान चीज डालकर टॉस करें और इसे गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व करें।